जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में टाटा टेली सर्विसेज एंड महाराष्ट्र लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म इस कंपनी को TTML के नाम से जानते हैं। आपके पोर्टफोलियो में यदि स्टॉक है तो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने ही वाली है। साथ में कोई नया व्यक्ति यदि इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कुल मिला के बात यह है कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाटा टेली सर्विसेज की शेयर प्राइस में तेजी कब आएगी और तेजी आएगी भी कि नहीं आएगी। यदि नहीं आएगी तो क्या हम इस कंपनी के जो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है उसे बेच के निकल जाएं। इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको आसान भाषा में देने की कोशिश करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, इसका जो शेयर प्राइस है 61 रुपये के आसपास आपको अभी देखेगा। और देखिए, पिछले एक सप्ताह की जब बात करते हैं तो एक सप्ताह में ये तकरीबन 1.5% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिला है। कमाल की बात यह है कि जहाँ जो दूसरे छोटे तो नहीं है लेकिन शेयर प्राइस के हिसाब से लोग इसको पेनी स्टॉक मान लेते हैं, तो इन दिनों देखेंगे पेनी स्टॉक की बात करें तो जहां एक सप्ताह में गिरावट 4-5% 20% की देखने को मिलती है, इस हिसाब से देखेंगे तो इसमें गिरावट कुछ ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा है। पिछले हालांकि अच्छी बात है कि ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में तकरीबन 2.5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिला है और ये गिरावट तो अब धीरे धीरे कम हो गया है। मई के बाद से 6 मंथ में ये स्टॉक तकरीबन 38% के आसपास छूटा है और यहाँ पर देखिए जो गिरावट होना था यहाँ तक हो गया। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है एकदम मतलब कंसोलिडेशन में है। इसमें धीरे धीरे क्या होगा कि कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा और उसमें तेजी आएगी। अब यहाँ पर हम लोग टाटा टेली सर्विसेज को आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चार्ट देखेंगे कंपनी का कि चार्ट क्या कहता है और फिर उसके बाद हम लोग अन्य चीज़ों को डिस्कस करते हुए बात का अनुमान लगाएंगे कि कंपनी का भविष्य आगे कैसा रहेगा। मैंने यहाँ पर अभी 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ और 1 साल के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लेवल है कंपनी का 90 रुपये के आसपास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पर तकरीबन 2-3 बार इसने अपना सपोर्ट लिया था। लेकिन दिसंबर 2022 में सपोर्ट को तोड़ते हुए प्राइस नीचे आ गया और नीचे आया, सीधे इस लेवल तक आया 60 रुपये के लेवल के आसपास। अभी देखेंगे तो उस कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपये से लेकर 70 रुपये इसी के बीच में आपको घूमते हुए नजर, हालांकि अभी तो 60 और 70 के बीच में घूम रहा है लेकिन फिर भी 50 और 70 के बीच का डिफरेंस लेकर चल रहे हैं कि अभी क्या हो सकता। देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि 60 रुपये के लेवल के ऊपर ही इस कंपनी का शेयर प्राइस रहे। 60 रुपये के नीचे आता है, 50 रुपये के करीब आता है तब और चिंता की बात हो सकती है। हालांकि ऐसा आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आते हैं तो ये 60 रुपये के आसपास जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है यहाँ से सीधे रिवर्स मार्केट प्राइस 70 रुपये के लेवल के ऊपर चला जाएगा। और चिंता की बात यह है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी 60 रुपये के आसपास भले ही घूम रहा है लेकिन ये सपोर्ट के पास घूम रहा है। यदि रेजिस्टेंस के पास घूम रहा होता ना, 70 रुपये के करीब घूम रहा होता तब मानकर चलते कि इस इजी वे में 70 रुपये के जो इसके लिए रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर देता। लेकिन जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट में कि आप पाएंगे कि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट तो कंपनी का आ गया है और मार्च क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया यह भी देख लेते हैं। सेल्स की बात करते हैं, देखिए मार्च क्वार्टर में कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है, सिर्फ 2 लाख के आसपास कम हुआ। पहले 282 करोड़ के आसपास था, अभी 280 करोड़ के आसपास था, यानी कि 2 करोड़ रुपए का इसमें, सॉरी 2 लाख मैंने बोल दिया, 2 करोड़ रुपए का कंपनी का सेल्स में कमी आया है। 2 करोड़ कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 2 करोड़ ज़्यादा भी आ जाता है यदि मार्च क्वार्टर में तो उससे भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस कंपनी के शेयर प्राइस पर देखने को नहीं मिल जाता क्योंकि काफ़ी कम है। अभी देखेंगे इसके पिछले जितने भी क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो इससे तो अभी कंपनी का जो मार्च क्वार्टर रिजल्ट है वो ज़्यादा ही है, तो इससे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं आया लेकिन कोई बुरा भी नहीं आया। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लें तो क्योंकि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का मायने रखता है, तो देखिए ये है नेट प्रॉफिट और मार्च क्वार्टर में देखें तो कंपनी तो ये आपको पता है प्रॉफिट में है नहीं, लॉस में है, लेकिन अच्छी बात है कि लॉस कम होते हुए दिखा है। देखिए क्वार्टर थ्री में 280 करोड़ रुपए का लॉस था जो क्वार्टर फोर में कम होकर 277 करोड़ रुपए का हो गया और उसके पहले भी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का लॉस मार्च क्वार्टर में, ये मार्च क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं लॉस कहेंगे, लॉस आपको कम होते हुए दिख रहा है। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर हर क्वार्टर में देखेंगे कंपनी के जो लॉसेज हैं वो आपको कम होते हुए दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से पॉजिटिव खबर है, सकारात्मक खबर है जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। अब पर्सनली मेरा क्या मानना है इसके लिए, यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कंपनी काम क्या करती है। यदि इसके काम की बात करें तो काम काफ़ी सिंपल है, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और बेसिकली टेलीकॉम कंपनी के लिए ही काम करती है। इसमें ये वायर्ड और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ की सुविधा प्रोवाइड कराती है और भी तमाम काम करती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, उस तरह की कंपनियों के लिए। फंडामेंटल में जैसे हमने क्वार्टरली रिजल्ट तो आपको डिस्कस कर ही लिया कि क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं, कोई बुरे नहीं आए हैं। सेल्स कम होने के बावजूद कंपनी का जो लॉसेज है, लॉसेज कम होते हुए दिखे हैं, लॉसेज बढ़े नहीं है, यानी कह सकते हैं कि लॉस जब कम हुआ है तो ये भी एक प्रकार का प्रॉफिट है और प्रॉफिट कंपनी का अच्छा हुआ है। यहाँ पर यदि आप डिस्कस करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 11-12 हज़ार करोड़ के आसपास, ये काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन बुक वैल्यू माइनस में है, इस वजह से इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे पता नहीं है, ये थोड़ी सी राहत देने वाली खबर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज़ यानी कि फंडामेंटल जब कंपनी का मजबूत हो रहा है तो ये यहाँ पर जो सारी चीज़ें आपको निगेटिव दिख रही है बुक वैल्यू और ये आने वाले समय में आपको दिखने लगेंगे और अच्छे दिखने लगेंगे। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में ये इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में तो आप उसको बचा के रखिए, निकलना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा जो सलाह रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, समय देना होगा। और न्यू व्यक्ति के लिए अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कंपनी
अभी का जो सिचुएशन अभी अभी ठीक नहीं है, अभी आप कुछ और इंतजार कीजिए, इसमें कुछ अच्छा चार्ट पैटर्न बने दीजिए, कुछ अच्छा होते हुए दिखने दीजिए, तब आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टाटा टेली सर्विसेज के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।